शहर के विभिन्न इलाकों में जब रियलिटी चेक किया तो कुछ जगहों को छोड़कर अधिकांश इलाके में सड़कों की स्थिति काफी खराब थी। आने जाने वाले राहगीरों को गाड़ी चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टीम द्वारा भेलूपुरा, रथ यात्रा तथा भदेनी आदि क्षेत्रों का दौरा किया गया था। ये गड्ढा 6 महीने से जल संस्थान खोद के छोड़ा है और इसमें ट्रक और गार हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है, राहगीर गिरते रहते हैं। गड्ढा अभी तक बंद नहीं हुआ, कोई गड्ढा नहीं बंद हुआ है। पूरा सीवर उसी तरह भरा है, गड्ढा उसी तरह खोद के छोड़ा है। IPDS सीवर वाले गड्ढा खोद के छोड़े है, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती। बनारस की क्या हालत है? बहुत बदतर हाल है, पूरे शहर में गड्ढों का चलना मुश्किल है। अभी स्कूल खुलेगा तो बच्चों को उससे ज्यादा परेशानी, बरसात के बाद और बुरी हाल हो जाएगी। पूरी मिट्टी सड़क पे आ जाएगी और उसके बाद चलना बच्चों को और राहगीरों को मुश्किल हो जाएगा। कठिनाई हो रही है, कठिनाइयों की तो पूछिए मत। कि ये हाल हम है कि अभी गाड़ियां चलाना मुश्किल है, धूल मिट्टी घरों के अंदर भर रहा है। वाराणसी पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 15 जून तक 40-50% से ज्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है, लेकिन सामग्री की कमी से खास तौर पर बालू न होने के कारण पूरा काम नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। दरअसल सुरेश खन्ना वाराणसी के 80 नाले पर फावड़ा चलाकर श्रमदान करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्ति का अभियान जिस उद्देश्य से चलाया था वे अभी बाकी है। जिन जगहों पर गड्ढा मुक्ति का अभियान चला उससे लोगों को फायदा पहुंचा है। मंत्री जी, 15 जून है, कितना गड्ढा मुक्त जाता है प्रदेश आपको? देखिए, गड्ढा मुक्त प्रदेश लगातार हुआ है और आपके भी शहर में हुआ है, आप इस बात को मानेंगे भी। और आज मुख्यमंत्री जी का हमारे बयान भी है, ये अभियान आगे भी चलेगा। हम लगातार लोगों को नागरिक सुविधाओं दिलवाने के लिए वचनबद्ध हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम दिला सकते हैं उतनी हम दिलाएंगे। थोड़ा सा सामान न मिलने की वजह से इस काम में व्यवधान ज़रूर होगा, क्योंकि जो बालू की उपलब्धता प्रॉपर न होने की वजह से ये अभियान अपने पूरे जिस उद्देश्य से चलाया गया था उसका उद्देश्य भी बाकी है। इसको मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा है और हम भी आज चाहते हैं कि ये अभियान लगातार चलेगा। जैसे जैसे लोगों को यहाँ बनारस में भी काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है, लोग महसूस भी करते हैं। हमसे 10 लोगों ने आज स्टेशन से लेकर डाक बंगले तक रास्ते में भी इन लोगों ने बताया कि लगातार अड्डा मुक्ति अभियान यहाँ चला और पूरे प्रदेश में चला। PWD की सड़कों पर भी, नगर निगम की भी, नगर पालिका की भी, और इससे जनता को फायदा मिला।